एक तो दिल्ली में आसमान से आग बरस रही है और कई इलाकों में पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। झुलसाती गर्मी में लंबी लंबी कतारों में खड़े लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं, लेकिन इस पर सियासत का पारा ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। टैंकर माफियाओं को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। दिल्ली में दिन के वक्त का पारा 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जा रहा है। इस बीच कई इलाकों में जल संकट गहरा गया है। टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। और कई इलाकों में तो आलम यह है कि लोगों को जरूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी लेने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर चलते टैंकर पर चढ़ जा रहे हैं। इस बीच टैंकर माफियाओं ने लोगों की आम जरूरत पर भी डाका डाल दिया है। टैंकर माफियाओं ने हर बूंद को पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। वहीं दिल्ली की आप सरकार इस संकट का ठिकरा हरियाणा के ऊपर थोप रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाए हैं। अगर हरियाणा कम पानी दे रही है तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करिए। अगर हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मुनक कनाल को रिपेयर नहीं कर रहा है तो आप उनसे बात करिए। अगर हरियाणा में इलीगल टैंकर भरे जा रहे हैं तो आप हरियाणा पुलिस के साथ इंटरवीन करिए। लेकिन एलजी साहब के पास बस एक काम है कि किसी ना किसी तरीके से, जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर समस्या दिल्ली सरकार के मत्थे मढ़ना चाहती है, उसी तरह एलजी साहब की भी यही कोशिश रहती है कि कोई भी किसी की भी गलती हो आप उसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार के मत्थे मढ़ दीजिए। बुधवार को दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि उसने टैंकर माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है तो दिल्ली में कहां जा रहा है, और पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली सरकार पानी घोटाला कर रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप नेता टैंकर माफियाओं के साथ मिले हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कि जब पानी हरियाणा से दिल्ली आता है उसी स्तर पर उसी लेवल का पानी आता है तो उसे चुराने का काम दिन दहाड़े होता है, और वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के संरक्षण में होता है। आज आम आदमी पार्टी बताएं कि उनका क्या कनेक्शन है इस वाटर टैंकर माफिया के साथ, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो तल्ख लहजे में कहा कि यदि आपसे कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर दिल्ली पुलिस को बोलेंगे। वाटर टैंकर माफिया को पानी मिल जाता है पर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलता। दिल्ली की जनता को इन्होंने कहा था 10 वर्ष पहले कि मुफ्त पानी मिलेगा, घर घर पानी मिलेगा, नल से पानी मिलेगा, पर घर घर मोहल्ले मोहल्ले दारू बिकवा दी, दारू भिजवा दी, परंतु साफ पानी नहीं भिजवाया। आज भी हम देख सकते हैं कि जब भी इनको कोई सवाल पूछा जाता है तो ये दोष कभी एलजी पर डालते हैं, कभी हिमाचल पर, कभी हरियाणा पर, हर जगह दोष डालते हैं पर अपना दोष जो है कभी नहीं उठाते। वहीं अदालत के कड़े सवालों का सामना करने वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी गई। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह शिकायत की है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को सबूत भी सौंपे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में टैंकर माफियाओं का गिरोह मजबूत हुआ है। हमने पुलिस में शिकायत की है, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं, और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है टैंकर माफिया बढ़ा है, टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। कहाँ से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? सीधा सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहाँ पर वहाँ से जो पानी जा रहा है वहाँ से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना, तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? नहीं, आश्वासन नहीं, पुलिस ने हमारी शिकायत ले ली है, मुझे लगता है कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी। देश की राजधानी में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए कई सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या मई तक दिल्ली के लिए समर एक्शन प्लान नहीं बनाया गया था? क्या सरकार गर्मी का इंतजार कर रही थी कि जब जल संकट खड़ा होगा तो काम किया जाएगा?
वहीं कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार में टैंकर माफिया इतनी जल्दी कैसे पनप गए? इस खबर में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें विस्तार न्यूज़।